गुड इवनिंग दोस्तों, आज है 2 नवंबर 2017 और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स और 1 और 2 नवंबर दोनों की डेट के एडिटोरियल्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हमारे डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे डिस्कशन का तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो जुडिशियरी को लेकर है। तो जस्टिस का जो सिस्टम है न्यायपालिका के बारे में है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस आर्टिकल के। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले पॉस्को एक्ट के बारे में बताया गया है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स आए हैं कि चिल्ड्रंस होते हैं उनके अगेंस्ट जब भी सेक्सुअल एक्टिविटीज या सेक्सुअल हरासमेंट कोई भी केसेस होते हैं तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट जो न्यायपालिका है हमारी वो क्या एक्शन लेती है और उसमें क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो इस आर्टिकल में हमें बताया गया है। तो ये पॉइंट्स वगैरह हैं वो हम आंसर राइटिंग में सजेशन वगैरह में इन पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले इस आर्टिकल में ये बताया गया कि जो पॉस्को एक्ट के तहत जो भी चाइल्ड होते हैं जिनका मतलब सेक्सुअल हरासमेंट होता है या उनके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस क्राइम वगैरह कुछ होते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चे हैं वो काफी डर जाते हैं, तो उनके लिए मतलब जो विटनेस वगैरह है बार बार जैसे गवाह वगैरह के तौर पे उनसे सबूत वगैरह मांगे जाते हैं, उनसे पूछा जाता है क्वेश्चन वगैरह, तो उन्हें काफी डराया धमकाया जाता है और काफी बच्चे होते हैं तो काफी ज्यादा सहम जाते हैं और इसकी वजह से वो मतलब उनके मन में एक साइकोलॉजिक डर है वो भी बढ़ जाता है। तो उसी दिशा में गवर्नमेंट है उसने काफी कुछ चेंजेस किए हैं, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसने काफी कुछ चेंजेस करने की बात भी की है और कई नए चेंजेस किए भी जा रहे हैं। यूएन के जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो किया जा रहा है कि चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जब भी कोई क्राइम होता है तो उसमें जो हमें क्या क्या चेंजेस है, हमें क्या क्या मतलब ऐसे लेकोनाज है कमी है जिन्हें हमें दूर करने की जरूरत है और गवर्नमेंट इस समय कदम भी उठा रही है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि अगर कोर्ट वगैरह में कोई भी विटनेस का मतलब ऐसा केस जाता है कोर्ट वगैरह में किसी भी चाहे हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो या जो भी छोटे कोर्ट्स हो कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में, तो सबसे पहले विटनेस है जो भी मतलब बच्चे वगैरह होते हैं जिनके अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम होते हैं तो उनको मतलब गवाह के तौर पे उनके जो माहौल है वो वहाँ का उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल आगे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि जैसे जो भी मतलब वहाँ पे उनसे पूछताछ वगैरह की जाती है तो जो पुलिस वगैरह है वो वहाँ पे नॉर्मल यूनिफॉर्म में रहे ना कि पुलिस यूनिफॉर्म में, क्योंकि देखो एक बच्चों के मन में एक डर होता है कि पुलिस की यूनिफॉर्म और पुलिस के नाम से, तो इसीलिए अगर जहाँ तक पॉसिबल हो नॉर्मल फॉर्म में उनके साथ पूछताछ वगैरह की जाती है तो उनको थोड़ा अनुकूल मतलब अच्छा माहौल मिलता है जिसके वजह से बच्चे सहमते नहीं है और उनके साइकोलॉजी पे ज्यादा भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी के साथ जो भी उनके रिकॉर्ड जो भी मतलब वो बयान वगैरह देते हैं तो वो उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह की जाए ताकि बच्चों को बार बार मतलब ना पूछा जाए ना उन्हें बार बार मतलब जहां भी उनके अगेंस्ट जो पूछताछ वगैरह हो रही है इसके तहत उन्हें ज्यादा टॉर्चर वगैरह ना किया जाए और इस बच्चों को थोड़ा माहौल है वो मतलब आराम से शांति से धैर्य से पूछा जाए और जब पेरेंट्स वगैरह मतलब थोड़ा माहौल बच्चों के अनुकूल होना चाहिए ताकि बच्चे आराम से रिप्लाई दे सके। ऐसा नहीं हो कि चारों तरफ बच्चे काफी लोग खड़े हैं तो बच्चे डर के मारे कुछ मतलब बोल ही नहीं पाए, तो वो बात की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अगर एक बार बयान ले लिया तो फिर ये नहीं है कि बार बार बच्चों को परेशान किया जाए। और फिर अगला इसमें दिया गया कि जो भी एक्यूज्ड है मतलब जो आरोपी है जिन्होंने जिनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने मतलब सेक्सुअल क्राइम वगैरह किए हैं तो उनको बच्चों के सामने नहीं लेके आया जाए, क्योंकि जैसे जब भी आरोपी बच्चों के सामने आते हैं तो उनके साथ जो भी सेक्सुअल केसेस वगैरह हो जाते हैं तो बच्चे उनको काफी याद कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके साइकोलॉजी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए ऐसी मतलब बात की गई है कि गवर्नमेंट की तरफ से चेंजेस भी किए जा रहे हैं और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली स्पेशल डिपोजिशन सेंटर्स से उनका निर्माण किया है कि वहाँ पे बच्चों को मतलब नॉर्मल यूनिफॉर्म वगैरह में जैसे जो भी केसेस वगैरह होते हैं उनमें पुलिस है वो नॉर्मल यूनिफॉर्म में वहाँ पे रहेगी और जो भी उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो पूरी कंप्लीट तरीके से होगी और गवाह जो भी आरोपी है उसको सामने नहीं लेके आ जाएगा बच्चों के ताकि उनकी मेंटल भी ताकि उनके माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट वो ना जाए। तो इन गाइडलाइनों को सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने की आदेश मतलब एक गाइडलाइन है वो जारी भी कर दी है और इसके तहत ये किया गया कि जो स्पेशल डिपोजिशन सेंटर है जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होंगी वो हर जो भी हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर हर हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 2-2 ऐसे सेंटर 3 महीने के अंदर बनाने कंपलसरी किए हैं गवर्नमेंट ने, तो ये काफी अच्छा गवर्नमेंट का कदम है ताकि बच्चों को मतलब जो भी क्राइम होता है तो बच्चे आराम से खुल के सामने और जो भी मतलब जिन्होंने ऐसे क्राइम किए उनको सजा है वो दिलाई जा सके। फिर अगला है कि जो डिपोजिशन जो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा या यूएन की जो यूनाइटेड नेशंस की जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उनको उनके तहत बनाई गई है मतलब उनके जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया गया प्रॉपर, तो यह भी इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है। और फिर अगला ये देखा कि जो भी सेक्सुअल केसेस होते हैं उसमें गवाह है वो कई बार डर के मारे पीछे हट जाते हैं, जैसे आप ये एग्जांपल देखो कि मेल कोई भी फीमेल वगैरह होती है उसके साथ कोई भी रेप वगैरह का ऐसा केस होता है तो उन्हें बार बार जो भी कोर्ट में जो मतलब
विपक्षी जो लॉयर वगैरह होते हैं उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसकी वजह से उनकी मतलब मानसिकता है उसको काफी क्षति पहुंचती है और उन्हें काफी डर लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो विक्टिम है गवाह है वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर के हमारे केस वापस ले लेता है कि नहीं मुझे तो न्याय चाहिए नहीं, मुझे तो छोड़ दो, मुझे ऐसे कोई मतलब उनको काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कि वो उनका रिप्लाई देने में काफी मतलब संकोच करते हैं। तो ये बात ये कि उनको इस तरीके से मतलब ज्यादा टॉर्चर वो ना किया जाए, केवल एक बार उनका जैसे बयान ले लिया जाए उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए, उसके बाद बार बार जो भी उनको पुलिस जो भी मतलब न्यायपालिका कोई क्लू वगैरह लेना है तो उसी वीडियो के थ्रू लिया जाए। तो ऐसी बात की गई है। पिछला एक आ गया कि जैसे गवाह को जो भी विक्टिम होता है उसको सोसाइटी में काफी गलत नजर से देखा जाता है, या आप एग्जांपल हमारे डेली लाइफ से भी देख सकते हो कि अब कोई भी मतलब किसी गांव किसी मोहल्ले में अगर किसी कोई भी अगर फीमेल वगैरह का रेप होता है तो उसको काफी गलत नजर से देखा जाता है, सभी लोग उसको मतलब घृणा की नजर से देखते हैं, तो उसे एक तरीके से समाज से अलग सा रखा जाता है जो कि काफी गलत बात है। और इसीलिए गवर्नमेंट करिए कि मतलब जो विक्टिम है वो उसको न्याय दिन मिलना चाहिए कि उसने तो जो भी आरोपी उसके अगेंस्ट है वो मतलब आवाज उठाइए तो उसको तो हक बनता है कि वो सही न्याय वो पा सके, और इसीलिए जो भी सोसाइटी वगैरह उसको भी सामने आना चाहिए और इस तरह की जो मतलब गलत नजर से देखना जो भी ऐसी एक्टिविटीज है उनको दूर रखना चाहिए सोसाइटी को भी। और फिर अगला पॉइंट दिया गया कि जो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, तो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन है इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो भी गवाह होता है मतलब जिसके साथ कोई भी आप देख सको जिसके साथ रेप वगैरह कोई भी ऐसा केस होता है सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह का, तो अगर उससे एक बार बयान वगैरह जो भी उसके साथ प्रोसीजर होगी उसको बार बार ना किया जाए, मतलब उसको बार बार विक्टिम के तौर पे याद ना दिलाया जाए कि उसके साथ ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं ताकि उसकी जो साइकोलॉजी है उस पर फिक ना पड़े। जैसे एक बार उसके साथ कोई भी रेप वगैरह कुछ भी क्राइम हो गया तो उसे ऐसा नहीं है कि बार बार पुलिस और फिर वो जाके पूछे, मतलब बार बार विक्टिम को याद दिलाए कि उसके साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ ये सब हुआ, तो उस हादसे को धीरे धीरे पुलिस को भी मतलब भुला देना चाहिए उसको, ऐसा इसमें कहा गया है। पुलिस और जुडिशरी दोनों चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया कि वकील वगैरह को भी ऐसी तरीके से मतलब काम नहीं करने चाहिए, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उससे भी बच्चों को बचाने की बात की गई है ताकि बच्चों की जो मानसिकता है उस पर बुरा प्रभाव ना पड़े, अदरवाइज बच्चे भटक जाते हैं और फिर गलत राहों पे चले जाते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे। फिर आगे वे फॉरवर्ड में कहा गया है कि जो फीमेल्स के ग्रुप्स हैं उनको भी शामिल करना है, क्योंकि एक बार फीमेल वगैरह है उनको धमकी दी जाती है कि आप जैसे जो पावरफुल लोग होते हैं अगर किसी ने रेप वगैरह ऐसा कुछ किया तो फीमेल को डराया धमकाया जाता है कि आप केस वापस ले लो, नहीं हम आपको ये कर देंगे, हम आपको जान से मार देंगे, जो भी उनको धमकी दी जाती है ऐसे केसेस को भी मतलब गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए और उनको भी इस लिस्ट में शामिल करना चाहिए कि जो भी फीमेल्स हैं उनको भी मतलब इस तरह के डिपॉजिशन सेंटर वहां बनाए जाए ताकि उनको भी प्रॉपर न्याय वो मिल सके। तो ये जो आर्टिकल था इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा आर्टिकल है। अब जो अगला आर्टिकल है वो बुरुंडी को लेके आया। तो बुरुंडी है ये आपको पता है दक्षिणी अफ्रीका की एक कंट्री है वहां के बारे में है, तो उसने यह एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लैंडलॉक कंट्री है, तो आपको इसकी लोकेशन है वो मैप में देखनी है, हमने ऑलरेडी दक्षिणी अफ्रीका का मैप है वो काफी डिस्कस कर लिया है। तो इसमें न्यूज में ये है कि जो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उससे बुरुंडी ने अपना मतलब इस्तीफा या आप बोलते हो अपना स्थान है वो पीछे खींच लिया, मतलब आईसीसी का बुरुंडी है वो मेंबर नहीं रहेगा। तो ये सीधी सी बात है इस आर्टिकल में। अब इसमें वो कुछ थोड़ी अफ्रीका की जो पॉलिटिक्स वगैरह कुछ पॉइंट्स वगैरह डिस्कस किए गए हैं तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले बताया कि थोड़ा आपको बता दूं ये खैर इस आर्टिकल में नहीं है कि जो अफ्रीकन जो कंट्रीज है वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो अलग तरह की है। जैसे हमारे इंडिया में तो क्या होता है कि जैसे लास्ट टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पे सेंट्रल में, उसके बाद इस बार बीजेपी आ गई, तो जब कांग्रेस मतलब हार चुकी थी तो बीजेपी की सीट आ गई, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद बीजेपी की अगर फॉर एग्जाम्पल हार जाती तो दूसरी गवर्नमेंट, ऐसे ही प्रोसीजर चलती रहती है, मतलब आराम से सत्ता का स्थानांतरण वो हो जाता है। जबकि अफ्रीका में ऐसा नहीं होता है, अफ्रीका में जब भी कोई रूलिंग पार्टी अगर एक बार सत्ता में आ जाती है तो फिर वो सत्ता में बना रहना ही चाहती है, जैसे कि अगली बार इलेक्शन होते हैं और अगर वो हार जाती है कोई भी रूलिंग पार्टी वहां पे तो वो मतलब उन इलेक्शंस को इनवैलिड करा दे देती है, या कोई भी वहां पे मतलब इस तरीके के क्राइम वगैरह करवा के आप बोल सकते हो, या फिर इलेक्शन वगैरह में और भी कुछ खामियां निकाल के, या फिर अगले को मतलब मारपीट इस तरह के कोई भी क्राइम वगैरह करवा के इलेक्शन को निरस्त वो रद्द करवा दिया जाता है, और उसके बाद वही जो एक पार्टी है वही सत्ता में रहना चाहती है। मतलब एक बार कोई पार्टी सत्ता में आ गई तो फिर वो 15-20 कम से कम वहां साल तक पीछा छोड़ती नहीं है, ऐसा वहां पे सिस्टम है। तो वहां पे सत्ता को लेकर काफी मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स इस तरह के काम है वो चलते रहते हैं, जबकि इंडिया का हमारा आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन है वहां पे, इंडिया में डेमोक्रेसी में इस तरह का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, यहाँ से सत्ता का स्थानांतरण है वो बाकायदा जनता के द्वारा किया जाता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं थोड़ा हमें पता होना चाहिए। अब न्यूज में ये आया आर्टिकल में कि जो बुरुंडी के जो पीएम है उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा है कि वो काफी बार सॉरी जो आईसीसी उन्होंने अपना इस्तीफा दिया उसका रीजन ये दिया है कि जो वेस्ट एशिया की कंट्री सॉरी वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं जिसमें मतलब यूएस हुआ ब्रिटेन हुआ इन्हीं के तो ग्रुप हैं जो वर्ल्ड बैंक हुआ है या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वगैरह हुए, तो जो बुरुंडी का आरोप है कि ये जो ग्रुप्स हैं इनके द्वारा जो भी मतलब हमारे लिए पार्शियलिटी भेदभाव किया जाता है हमको प्रॉपर न्याय वो नहीं मिलता है, इसके तहत हमारे ऊपर जो गलत व्यवहार है वो किया जाता है, इसीलिए हम लोग है वो आईसीसी से इस्तीफा ले रहे हैं, आईसीसी से हमें पीछे हट रहे हैं।
तो ये एक्चुअली न्यूज है, क्योंकि कई बार काफी बार ऐसा आरोप भी लगा है कि जो अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनपे जो आईसीसी है या फिर और भी जैसे बाकी इंस्टीट्यूट है यूएन के, वो मतलब पार्शियलिटी कितने भेदभाव करते हैं, उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है अफ्रीका को, तो ऐसे कुछ आरोप पहले भी लगे हुए हैं। तो उसी के लेके उन्होंने इस्तीफा देने की, मतलब वहां से अपना नाम और विड्रॉ करने की बात कही है। तो अब आगे फिर आर्टिकल में एक आ गया कि जो वहां के पीएम है ब्रुनेई की, उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने वहां पे काफी ह्यूमन राइट के वायोलेशन किए, वहां पे इलेक्शन हुए तो उनको भी उन्होंने इनवैलिड करा दे दिया और भी बहुत सारे रीजन। तो वो तो हमारे लिए देखो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है कि ब्रुनेई की क्या क्या वहां पे हुआ ब्रुनेई वगैरह का, तो वो तो हम छोड़ते हैं। और जो आगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो देखते हैं वो है अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन है वो वहाँ अफ्रीका के जो 54 कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, और यह मेनली गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए ग्रुप है, मतलब डेमोक्रेसी को भी आगे बढ़ा रहा है, इसी के साथ गुड गवर्नेंस है इसको भी आगे प्रमोट कर रहा है, तो ये इसका मेनली काम है। और यह मतलब पीसफुल जो कार्य है इकोनॉमिक कार्य के लिए भी डील करता है, इसी के साथ ट्रेड वगैरह के क्षेत्र में भी इसका योगदान है। तो ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए अफ्रीकन यूनियन के बारे में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अफ्रीकन यूनियन का जो हेड ऑफिस मतलब हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में, कौन लोकेशन, आपको बताना है। ये अभी सुर्खियों में भी था। अब आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल है वो कोलिजियम सिस्टम की और पारदर्शिता की लेके है। तो ऐसे भी आर्टिकल हम अभी भी काफी दो चार आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, बट फिर भी इस आर्टिकल में जो नए पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो इस आर्टिकल में मेनली बताया गया है कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो हमारे संविधान में स्टार्टिंग से उल्लेख नहीं था, और कोलिजियम सिस्टम में आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसी के साथ चार है वो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, तो मतलब पांच लोगों को मिला के कोलिजियम सिस्टम वो बनता है। फिर ये पांच लोग हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह है जजों की ट्रांसफर करना है उनका काम ये करते हैं। तो ये हमारा कोलिजियम सिस्टम है, इसको हम काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। अब इसमें हमारे लिए जो जुडिशियरी को लेकर कहीं भी कुछ आता है तो हमें पता होना चाहिए कि सेकंड जजेस केस वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि सेकंड जजेस केस है वो बहुत अहम है। वो भी देखते हैं कि क्यों क्यों अहम, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से ज्यादा न्यूज में भी रहता है और काफी पॉपुलर है। अगर मैं जहां भी ऐसा जुडिशियरी रिलेटेड कोई केस, जुडिशियरी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वगैरह आता है तो हम वहां इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि जुडिशियरी का जो 1993 का सेकंड जजेस केस था, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि कोलिजियम प्रणाली है वो सुप्रीम है, मतलब कोलिजियम प्रणाली की बात वो मानी जाएगी, और जो अपॉइंटमेंट और जो ट्रांसफर वगैरह का जो काम है वो कोलिजियम प्रणाली के तहत ही किया जाएगा। 1993 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो गवर्नमेंट थी उनका भी हस्तक्षेप होता था, तो इसलिए 1993 में क्लियर प्रावधान कर दिया गया कि कोलिजियम प्रणाली है, इसी के तहत जजों का ट्रांसफर और जो अपॉइंटमेंट है वो काम है वो किया जाएगा। अब इसमें थोड़ा देखो आपको बता दूं कि संविधान के आपको पता है कि तीन हमारी डेमोक्रेसी के तीन मेन बड़े पिलर हैं जो कि एक दूसरे के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो आपको बताना है एक पिलर तो आपको पता है कि जुडिशियरी है, दो पिलर कौन कौन से है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसीलिए इन तीनों में आपस में एक तरीके से चेक एंड बैलेंस की कंडीशन है वो रहती है। अब आपको पता है कि जुडिशियरी में जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह काम होता है वो मेनली प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जबकि प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करते हैं वो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में फिर बताना है, क्योंकि ऐसी चीजें हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपसे क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट्स वगैरह जैसे चीजें हैं तो आपकी टाइम टू टाइम क्लियर होती रहेंगी, तो जिसकी वजह से रिविजन है हमारा वो भी साथ साथ होता रहेगा। आगे है कि जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर करते हैं। तो यह तो आपको बताया कि मेनली जो काम है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, वो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को और उसके बाद प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटमेंट वगैरह ट्रांसफर वगैरह वो करते हैं। अब 1977 में ये चीज क्लियर हुई थी, केस हुआ था उस टाइम पे, तो उसमें ये चीज आई कि जो कंसल्टेशन है कि प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्ट पे काम करते हैं, तो 1977 में ये था कि जो कंसल्टेशन है प्रेसिडेंट की वो बाध्य नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कंसल्ट देते हैं वो बाध्य नहीं है, प्रेसिडेंट चाहे तो उसे अपॉइंट कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते, ऐसा था 1977 तक। बट उसमें ये प्रावधान भी था कि अगर डेमोक्रेसी और न्यायपालिका के विरोध में अगर ऐसा मतलब कोई भी ऐसा जज वगैरह कोई भी किसी का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जो कि डेमोक्रेसी और न्यायपालिका के लिए खतरा साबित हो सकता है तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू है वो हो सकता है। तो ये चीज हमारे लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और इसके साथ 1977 के केस में क्लियर था कि जो कंसल्टेशन है वो बाध्य नहीं है, मतलब जो सुझाव दिए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि इनको अपॉइंट करना वो बाध्य नहीं थे 1977 तक। इसी के बाद जो 1993 में जब सेकंड जज केस आया था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कोलिजियम सिस्टम को सुप्रीमेसी दी गई थी, तो 1993 के सेकंड जज केस था इसमें ये कहा गया कि जो कंसल्टेशन है जो सुझाव है वो बाध्य कर दिया गया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी कंसल्टेशन देते हैं प्राइम प्रेसिडेंट को वो प्रेसिडेंट को उन्हीं को अपॉइंट करना होगा, इसमें कोई नानुकूल नहीं हो सकती। तो यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो चली गई, क्योंकि क्यों प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट के पास क्यों ले पावर है कि उन्हें जिसका नाम सुझा दिया गया उन्हीं को उन्हें अपॉइंट करना होगा 1993 के केस में यह कहेगा। तो मतलब 1993 के केस से ये हो गया कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो प्रधान और जो कोलिजियम सिस्टम है उसको सुप्रीमेसी दे दी गई,
और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ज्यूडिस जो आप बोलते हो कि कार्यपालिका विधानपालिका से कोई भी इंटरफेरेंस हो गया वो नहीं कर सकती थी, तो इसलिए काफी अहम हो जाता है 1993 का सेकंड जज केस के नाम से इसे जाना जाता है। इसी के बाद आता है 1998 का थर्ड केस, थर्ड जजेस केस आता है, तो इसमें जो कोलिजियम सिस्टम में कुछ कमियां थी उस टाइम पे उन्हें थोड़ा बहुत ठीक किया गया, मतलब थोड़ा बहुत रिकवर किया गया, हालांकि आप अभी भी जानते हो कि कोलिजियम सिस्टम में काफी कुछ कमियां है। इसके बाद आया 2015 में आपको एनजेसी लाया गया, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशनर वो लेके आ गया, तो इस एनजेसी को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड या नल करा दे दी, इनवैलिड करा दे दिया, वो इसलिए देगा असंवैधानिक करा दिया था, वो इसलिए दिया था असंवैधानिक क्योंकि है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसका हनन कर रहा था, ये स्वतंत्रता का हनन इसलिए कर रहा था क्योंकि इसमें एनजेसी के अंदर जो अपॉइंटमेंट की बात की गई थी उसमें जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसका साफ साफ इंटरफेरेंस था अपॉइंटमेंट में। तो अगर जब भी आप जानते हो कि पॉलिटिकल पार्टियों का इंटरफेरेंस हो जाएगा अपॉइंटमेंट वगैरह में तो वो अपने स्वार्थ हम सिद्ध करेंगे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया था। और इस पे इस बार मेंस में काफी क्वेश्चंस भी आए तो काफी अहम हो जाता है हमारे लिए, थोड़ा पता होना चाहिए एमएस के बारे में। और रिसेंटली अभी जो हालात है आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो गाइडलाइंस जारी की है उसके तहत ये कहा था कि जो पारदर्शिता है वो बढ़ाई जाएगी, मतलब किसी भी जज वगैरह का ट्रांसफर वगैरह अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो उसके रीजंस दिए जाएंगे कि इस जज का ट्रांसफर वो किस बेसिस पे किया जा रहा है, क्यों इसका मतलब जो अपॉइंटमेंट है वो की जा रही है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन, सारे जो उसका बैकग्राउंड वगैरह वो सारी चीजें वहाँ पे लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में लाई जाएंगी, तो इसको लेके हमने एक अलग से आर्टिकल भी डिस्कस किया था। और इसी के साथ इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो था आईबी की जो रिपोर्ट आ रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसका भी मुद्दा रहा था क्योंकि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, मतलब गवर्नमेंट है उसके उसमें हस्तक्षेप होता है, तो कई गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि अगर हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बगैर कोई भी ऐसा जज वगैरह है या कोई भी जज है अगर उसकी ऐसा लगता है कि मतलब सही नहीं है न्यायपालिका के लिए तो उसका अपॉइंटमेंट वगैरह वो नहीं किया जाए, तो इसी बात को लेके काफी कुछ कंसर्न्स भी चल रहा है, वो हमने आर्टिकल पहले भी डिस्कस किए हैं पॉइंट्स कि आईबी की रिपोर्ट का काफी बड़ा इशू चल रहा है। अब जो अगला इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे लिए हो जाता है कि वे फोर्ड में आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट और जुडिशियरी है इन दोनों के बीच में भी काफी खिंचातानी चल रही है और इसकी वजह से हमारे देश की यूनिटी और डेमोक्रेसी के लिए काफी खतरा साबित हो रहा है, तो हमें जल्द से जल्द जो भी डिफरेंसेज हैं गवर्नमेंट और जुडिशियरी में इन्हें आपस में खत्म कर लेने चाहिए तथा जो यूनिटी है वो हम देश की यूनिटी उसको खतरे में नहीं डालना चाहिए और डेमोक्रेसी के जो तीनों पिलर हैं उनको आपस में बनाए रखना चाहिए। जब तक तीनों पिलर एक साथ नहीं रहेंगे तब तक हमारे देश की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही ढंग से नहीं रह पाएगा, तो हमें जुडिशियरी और जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंसेज हैं उन्हें जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए और जो नए जजों के अपॉइंटमेंट वगैरह जो काम जो रुका हुआ है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसे जल्द से जल्द हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये इस आर्टिकल का लवी फोर्ड लास्ट में। अब जो अगली न्यूज है वो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में आई है कि जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं और ये आपको पता है कि दिनेश्वर शर्मा के बारे में ये आर्टिकल है, तो उनका एक इंटरव्यू है तो उसमें कुछ उनसे पॉइंट वगैरह पूछे गए हैं। अभी आपको पता है गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में जो काफी इश्यू चल रहे हैं आप देख रहे हो पिछले 1.5-2 सालों से वहां पे अस्थिरता वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अपना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है उनको भेजा है, तो वो है आईपीएस उनका नाम है दिनेश्वर शर्मा, तो उन्हीं को लेके आर्टिकल्स आए। तो देखो आर्टिकल में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए बातचीत के द्वार है वो खोले जाएंगे क्योंकि जम्मू अभी रिसेंटली गवर्नमेंट चाह रही है कि वहां पे जो भी ग्रुप्स है जितने भी मतलब मैन पार्टियां हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी तथा वहां पे शांति बहाल करने की सारी कोशिशें वो की जाएंगी। अब ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशन है उसको देखा जाएगा कि किस वजह से वहां पे जो ऐसे मतलब एक अशांति के जो माहौल है वो बढ़ता जा रहा है, और मेन बात देखो ये है कि अगर लड़ाई होती है वहां पे उसके बाद भी अंत में बातचीत ही करनी होगी तो क्यों ना बातचीत पहले ही कर लें ताकि लड़ाई ना होगी, क्योंकि आप जानते हो कि अगर कहीं भी लड़ाई होती है जैसे आप डोकलाम वाला इशू देखते हो, अगर इंडिया और चाइना के बीच में अगर लड़ाई भी होती है उससे पहले भी आप देख सकते हो कि भारत और पाकिस्तान किसी भी कंट्रीज के बीच में अगर लड़ाइयां होती हैं तो उसके बाद भी अंत में बातचीत ही समाधान होता है, बातचीत के द्वारा समाधान किया जाता है, तो क्यों ना पहले ही बातचीत के द्वारा समाधान कर लिया जाए ताकि ना जानमाल की हानि होगी और ना ही वहां एक इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है कि लड़ाई के बाद भी बातचीत करनी है तो क्यों ना हम पहली बातचीत के द्वारा वहां पे समाधान है वो निकाल लें। दूसरा ये है वहां की इंटरनेट का काफी वहां पे मिसयूज किया जाता है, सोशल मीडिया का आप देखते हो वहां किस तरीके से वीडियो को मतलब वायरल किया जाता है, गलत माइंडसेट है वो किया जाता है लोगों को एक तरीके से ब्रेन वॉश वो भी किया जाता है, और पाकिस्तान तो आप पता है कि टेररिज्म को लगातार वहां पे बढ़ाता रह रहा है और लोगों का वहां ब्रेन वॉश करता है भारत के खिलाफ लोगों को भड़का, तो ऐसा माहौल वहां पे हो रहा है। इसी के साथ वहां पे अगला ये दिया गया कि जो
इंटरनेशनल का जो मुद्दा है, जो मतलब पाकिस्तान है वो इसे इंटरनेशनलाइज मुद्दा बनाना चाहता है, बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहता है, बार बार यूएन में ले जाने की कोशिश करता है, ताकि जम्मू एंड कश्मीर की वजह से इंडिया की जो मतलब एक तरीके से काफी बदनामी का वर्ड बोल सकते हो कि काफी मतलब किरकिरी कराना चाहता है पाकिस्तान, कि वो देखो पाकिस्तान के पास जेल में कुछ काम तो है नहीं, तो वो बार बार ऐसे काम करता रहता है, ना तो आगे खुद डेवलप होना चाहता है, तो इससे ऐसी आतंकी गतिविधियों के चक्कर में वो चाहता है कि उसका भी नाम फैलता रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हमें देखो एग्जाम में अगर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ क्वेश्चंस आता है तो हमें बहुत सोच समझ के आंसर्स में पॉइंट है वो यूज करने हैं, क्योंकि काफी मतलब सेंसिटिव मुद्दा है, तो हमें ऐसी चीजों का ध्यान रख के ही यूज करना होता है एग्जाम में। अब जो अगला आर्टिकल है ये एक्चुअली रिकैपिटलाइजेशन के बारे में है, तो रिकैपिटलाइजेशन के बारे में तो कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं इस आर्टिकल में, बाकी हमने पहले बहुत डिस्कस कर लिया इसके बारे में। तो देखो अभी रिसेंटली एनपी की समस्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, और आपको पता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो काफी कम है, तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की और ज्यादा जरूरत है। बट आर्टिकल ये कह रहा है कि जो रिकैपिटलाइजेशन है वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारे जो बैंक है वो ऑलरेडी डूब चुके हैं, ऐसा आर्टिकल का कहना है कि जो बैंक है उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए गवर्नमेंट बैंकों को बचाने के लिए लोन पैसा है वो 2.11 लाख करोड़ का पैसा है वो दे रही है, ताकि बैंकों की जो मतलब से इज्जत है वो बच जाए, क्योंकि बैंकों को काफी ज्यादा डूब चुके हैं, एक तरीके से उन वापस रिकवर नहीं हो पाएंगे, ऐसा आर्टिकल का कहना है। क्यों फिर आगे आर्टिकल कह रहा है कि जो बैंक है वो मेनली पब्लिक के लिए है, परंतु आजकल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना हस्तक्षेप की वजह से किसी भी एरे गिरे प्रोजेक्ट को फंड दिला देती हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाता और पैसा है वो एनपीएम में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो समस्या वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। अभी अप्रोक्सीमेट 10% के आसपास जो बैंकों का लोन है वो एनपीए बना हुआ है, तो आप देख सकते हो कि अगर एक बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है तो उसमें से 10 करोड़ रुपए तो एनपीए में है, तो ये काफी खतरनाक बात है, और इससे समस्या अगर आगे और बढ़ती गई तो बिजली बैंक है जो पब्लिक बैंक है वो कोलैप्स हो सकते हैं। आगे फिर आर्टिकल में कहा गया कि जो प्राइवेट बैंक है उनकी हालत इतनी खराब नहीं है, क्योंकि प्राइवेट बैंक है उनका मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और प्राइवेट बैंक हमेशा प्रॉफिट को बेसिस पे चलते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। बट गवर्नमेंट बैंकों में क्या होता है कि सरकार उनको फंड देती रहती है, तो इसलिए वो गवर्नमेंट बैंक उतने ढंग से काम नहीं करते, मतलब उनमें अकाउंटेबिलिटी का वो इशू रहता है, और ये अकाउंटेबिलिटी है ये बैंकों में पब्लिक बैंकों में हमें स्थापित करनी होगी, अदरवाइज समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है, इसलिए पब्लिक बैंकों में हमें रिफॉर्म की एक अर्जेंट नीड है। तो ऐसे कुछ जो पॉइंट्स हैं आर्टिकल में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद हम जो आज के आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करते हैं, 2 नवंबर के जो जो आर्टिकल्स हैं। तो आज जो एक आर्टिकल है वो है इज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में है। अभी आपको बताया कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग है वो 100वीं रैंक आई है, इससे पहले लास्ट ईयर 130 रैंक थी, तो ये काफी 30 मतलब कदमों का एक उछाल है कि 130 है डायरेक्ट इंडिया 100 पे है, तो ये काफी अच्छी तारीफ लायक बात है इंडिया के लिए। और आपको पता है कि इंडिया के लिए जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है उसमें 2 सिटीज को शामिल किया जाता है, मुंबई और दिल्ली को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आर्टिकल में कहा गया है कि भारत जैसे विविधता भरा देश है और यहाँ पे इतनी जनसंख्या मिली, इतनी लार्ज पॉपुलेशन रहती है, और उसके बाद भी ऐसी रैंक आ रही है, तो काफी तारीफें लायक मतलब प्रशंसा लायक सराहनीय कदम है भारत का, और गवर्नमेंट 3 सालों से बहुत अच्छे कदम उठा रही है, लगातार इसी समय नए कदम उठाती जा रही है। फिर अगला पॉइंट ये देगा कि जो गवर्नमेंट्स है जो रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉइंट दिया गया है कि जो नई गवर्नमेंट है हमारी रूलिंग उसको भी काफी राहत मिली है इससे, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया था जीएसटी को लेके भी, नोटबंदी को लेके, तो मतलब काफी एक तरीके से हताशा होने लग गई थी गवर्नमेंट, तो वहीं पर अगर इतनी अच्छी जॉब डूइंग में इतनी अच्छी रैंक आई है तो वहाँ पे भी एक मतलब उनको काफी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा गवर्नमेंट को, तो और अच्छे ढंग से काम करेगी। अगला पॉइंट देगा कि जीएसटी का जो लॉन्ग टर्म है वो देखो बेनिफिट होने वाला है, हाँ शॉर्ट टर्म आप लॉसेस बोल सकते हो, बट समस्या है वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है, जीएसटी नेटवर्क में आप देख रहे हो कि धीरे धीरे चेंजेस कर रही है गवर्नमेंट, और जो टैक्स स्लैब में भी धीरे धीरे स्थिरता आएगी, तो ये काफी अच्छे कदम है, बाकी जीएसटी का लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला है, इसलिए गवर्नमेंट को और अच्छे कदम उठाने की जरूरत है। पिराटी में कहा गया कि हमें अभी आगे और बढ़ना है, और इंडिया का जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा टारगेट है कि हम इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में टॉप 50 में आना है हमें, तो हमें इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अभी यहाँ पे जश्न नहीं मनाना है, अभी हमें और आगे मेहनत कंटिन्यू जारी रखनी है, तभी हम हमारे जो मुकाम है कि टॉप 50 में हमारे आने का जो मुकाम है वो हम हासिल कर पाएंगे। अगला कहा गया कि देश की छवि है वो इससे काफी क्लियर हो जाती है, क्योंकि इस जॉब डूइंग बिजनेस में इंडिया, अगर इंडिया की रैंकिंग इतनी अच्छी है तो इससे देश की छवि बनेगी, इसी के साथ देश की ब्रांडिंग है वो भी बढ़ेगी। देखो देश की ब्रांडिंग तो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे आप देख सकते हो कि हम डेली लाइफ में कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर बाहर का जैसे चाइना का नहीं आप एग्जांपल ले लो, चाइना का ले लो, चलो अगर चाइना का कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है, अरे चाइना का प्रोडक्ट है, लोकल है, पक्का फर्जी होगा, और जबकि वहीं हम दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं जापान का, यूएसए का, तो देखते हैं अरे नहीं नहीं यूएसए का या जापान का प्रोडक्ट पक्का अच्छा होगा, तो मतलब वहां पे हम चीज को मतलब ये ब्रांडिंग हुई ना एक तरीके से, आप देख सकते हो कि ये ब्रांडिंग ही है कि नहीं जापान की चीज है, मतलब जापान का बना हुआ प्रोडक्ट मतलब काफी अच्छा है, तो इससे बोलते हैं कि ब्रांडिंग मतलब देश के ब्रांडिंग हो जाएगी, देश का भी नाम है वो चलेगा।
तो इसे ये पॉइंट है, थोड़े पता होना चाहिए इसके बारे में। अगला ये है कि इंडिया है वो आपको पता है दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसी दिशा में अगर इंडिया इतने अच्छे कदम उठा रहा है तो उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ में और ज्यादा सफलता मिलेगी। जैसे इंडिया का IT सेक्टर वो ऑलरेडी बहुत आगे है, इसके साथ जो इंटरनेट वगैरह की जैसी फैसिलिटी है वो भी इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है और उनका उपयोग इंडिया लगातार कर रहा है, तो आगे और भी इंडिया को फायदा होने वाला है। फिर आगे आर्टिकल में कहा गया कि जो न्यू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो कोड आया था इसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि जो भी डिफॉल्टर हैं जैसे विजय माल्या जैसे लोग जो पैसे लेके भाग गए उनके लिए क्लियर प्रावधान किए गए हैं कि उनको लोन वगैरह वो किस तरीके से उनके उनसे रिकवर किया जाएगा, या अगर वो लोन नहीं देते हैं तो उनके लिए पुलिस वगैरह के किस तरह से एक्शन लेगी, या जो भी नई अथॉरिटी बॉडी बनाई गई है उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, तो वो सारे प्रावधान वो काफी स्ट्रिक्ट किए गए हैं। तो मतलब जो इस तरह से विजय माल्या जैसे डिफॉल्टर लोग हैं वो अब कानून की मतलब पकड़ से ज्यादा दूर नहीं रह पाएंगे और ऐसे क्राइम वो नहीं कर पाएंगे। फिर आगे कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी दिए गए हैं आर्टिकल में, जैसे कि डिजिटल पेमेंट है उसकी वजह से भी जो डूइंग बिजनेस को काफी अच्छा फायदा हुआ है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं उसकी वजह से काफी जो वर्कलोड है वो भी कम हो गया है, अदरवाइज बैंकों में काफी लंबी लंबी लाइन लग जाती थी कैश ट्रांजेक्शन के लिए, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। इसी के साथ और पॉजिटिव पॉइंट में ये दिया गया है कि जो कॉरपोरेट टैक्स है गवर्नमेंट ने वो कम किया है, तो जिसकी वजह से भी इंडिया में FDI वगैरह वो ज्यादा आ रही है, क्योंकि देखो FDI इसीलिए आती है कि उसको ज्यादा इंडिया में कोई भी जैसे फॉर विदेशी कंपनी इंडिया में आती है तो वो आपको पता है मेनली प्रॉफिट के लिए आती है, तो अगर उसे इंडिया में ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो वो क्यों आएगी। अगर इंडिया में टैक्स कम पे करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा आएंगी क्योंकि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर कॉर्पोरेट टैक्स अभी आपको पता है रिसेंटली इस बार बजट में कम कर दिया गया था तो उसकी वजह से भी जो डूइंग बिजनेस में हमें फायदा हुआ था। बाकी आगे आर्टिकल एक समस्या बता रहा है कि जो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है वो भूमि अधिग्रहण की है, तो हमारे देश में भूमि अधिग्रहण की वजह से आज तक बहुत सारे केसेस वो पेंडिंग चले रहते हैं और उसकी वजह से काफी मतलब प्रोजेक्ट है वो डिले रहते हैं और कंप्लीट वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आपको पता है ऑब्वियसली लैंड वगैरह की जरूरत होती है, तो अगर भूमि ही नहीं मिलेगी उनको प्रोजेक्ट लगाने के लिए तो वो काम कहाँ से करेंगे। तो ये देश की सबसे बड़ी समस्या है और इसकी वजह से ही इस जो भूमि अधिग्रहण के जो कानून है वो सभी स्टेटों में अलग अलग हैं, तो इसी में भी कुछ पारदर्शिता हमें लाने की जरूरत है ताकि जो डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। और इसी के साथ हमने कल भी देखा था कि जो हमारी बिजली के कनेक्शन का इश्यू है वो भी काफी बड़ा है, हमें बिजली का कनेक्शन है वो मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी डिले से काफी देरी से प्रोवाइड करा जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी जो डूइंग बिजनेस में रैंकिंग वो पीछे रही है इतनी ज्यादा। अदरवाइज हमारे देश में अगर भूमि अधिग्रहण की समस्या समाधान किया जाता है और इसी के साथ बिजली के कनेक्शन वगैरह जो मूलभूत फैसिलिटी होती है और उनको कम्प्लीट किया जाता है, जुडिशियरी में जो भी कमियां उन्हें दूर किया जाता है, तो जो डूइंग बिजनेस में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है रैंकिंग का, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को भी और ज्यादा फायदा होगा और हमारी इकोनॉमी में FDI आएगी जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करेगी। तो फिर आगे आर्टिकल में कहा गया कि जो घरेलू बिजनेस है उसका मूड है वो भी हमें पॉजिटिव रखने की जरूरत है कि उन्हें भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि देखो बिजनेस मॉडल है वो हमेशा प्रॉफिट के बेसिस पे काम करता है, अगर इंडिया की भी किसी कंपनी या किसी को प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो वो क्यों काम करेगी। तो हमें ऐसा वातावरण एनवायरमेंट बना के रखना है कि हमें जो भी इंडिया की कंपनी है बाहर की उनको मतलब प्रॉफिट दिखे यहाँ पे और प्रॉफिट भी उनको होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे अच्छे से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर पाएंगी। अब जो अगला आर्टिकल है वो TB को लेकर आया, ट्यूबरक्लोसिस को लेकर, तो इसमें मैनली आर्टिकल में कहा गया कि जो टीबी है इंडिया में वो काफी लंबे टाइम से मतलब इसकी समस्या वो बनी हुई है और जो मेडिसिन कोर्सेज हैं वो लोगों के द्वारा प्रॉपर नहीं लिए जाते हैं। देखो टीबी का मेनली होता है इसका कोर्सेज वो अप्रोक्सीमेट 6 या 9 महीने का होता है, तो कई बार लोग क्या किसी मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, 1 महीने मेडिसिन ली, दूसरे महीने में उन्हें मतलब खांसी वगैरह थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ आराम आ गया मेरे को, तो लोग क्या दूसरे महीने तीसरे महीने मेडिसिन वो बीच में ही छोड़ देते हैं। बट होता क्या है उस टाइम पे टीबी पूरी खत्म नहीं होती है, टीबी धीरे धीरे कम होना शुरू होती है, मतलब बढ़ना कम होती है, कम होना शुरू एक तरीके से टीबी धीरे धीरे बढ़ने से रुक जाती है, तो लोगों को लगता है कि मैं ठीक हो गया, और उसी टाइम पे अगर वो जो टीबी का जो कोर्सेज या ट्रीटमेंट चला वो बीच में छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से जो भी टीबी के जो मतलब बैक्टीरिया जो वायरस हैं जो बॉडी में है वो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं उस मेडिसिन के अगेंस्ट जो मेडिसिन जो मतलब पेशेंट वो ले रहा था। जैसे कि कोई भी पेशेंट है अगर वो मेडिसिन ले रहा है टीबी की, अगर उसने बीच में मेडिसिन छोड़ दी तो वो जो भी बॉडी के अंदर जो वायरस है टीबी के है वो प्रॉपर ढंग से मतलब उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से जो भी मेडिसिन अगर वो फ्यूचर में वापस उन्हीं मेडिसिन को यूज करता है तो उसका फायदा नहीं होता है और इसे बोलते हैं टीबी प्रतिरोध। इसकी वजह से काफी ज्यादा समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है और लास्ट में और ज्यादा समस्या गंभीर होने की वजह से उसे और हाई डोजेज लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से काफी मतलब बॉडी को भी लॉसेज होते हैं। आप जानते हो कि अगर ज्यादा मेडिसिन यूज की जाती है हमारी बॉडी में तो उसके साइड इफेक्ट वो ऑब्वियसली होते हैं, हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, तो अगर ज्यादा हेवी डोज अगर हम यूज करेंगे तो हमारी बॉडी पे और ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ेंगे जिससे हमें और ज्यादा डिजीज होने की खतरे हो जाते हैं, चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी के साथ अगला सब बड़ा इशू इसमें ये दिया गया है कि लोगों में अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है कि लोगों को प्रॉपर पता नहीं है अवेयरनेस
का, लोग को काफी लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उसको टीबी हो गया, फिर दो दो तीन साल तक फिर वो लोग मतलब डेथ हो जाती है और परिवार वगैरह में टीबी वगैरह फैलती रहती है। तो इसके बारे में एक तो प्रॉपर गाँव वगैरह में जहाँ भी है टीबी के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि 2035 तक हम टीबी फ्री इंडिया वो करेंगे। ये काफी मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि काफी कठोर टारगेट लिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि 2035 तक हम टीबी को टीबी फ्री इंडिया करेंगे। क्योंकि देखो जो यूएन के द्वारा जो टारगेट लिया गया, डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वो टारगेट भी 2030 का लिया गया कि 2030 तक हम टीबी फ्री रहेंगे पूरे वर्ल्ड को, प्लस करने की बात की गई है, जबकि इंडिया ने 2025 का टारगेट लिया। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और यहाँ अवेयरनेस और अंधविश्वास जिसे काफी ज्यादा फैली हुई है, तो इस दिशा में भी गवर्नमेंट को काफी कदम है वो उठाने होंगे, ऐसा आर्टिकल कह रहा है। तो हमें ऐसी चीजों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। फिर आगे आर्टिकल में कहा गया है कि जो भी नए पॉइंट्स वगैरह में किसी ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह टीबी है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि टीबी के अगर मेडिसिन बीच में छोड़ देते हैं तो जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो बन जाते हैं बॉडी में, उसकी वजह से जो मेडिसिन वो फिर काम नहीं कर पाती है, और उसके लिए फिर हमें हाई डोजेस देने पड़ते हैं उस ड्रग रेजिस्टेंस के टीबी के अगेंस्ट, और उसकी वजह से समस्या और ज्यादा गंभीर बन जाती है। तो जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है उसके केसेस इंडिया में और ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस का बहुत बड़ा इश्यू है। अगला ये दिया गया कि डाटा का जो इश्यू है वो भी इंडिया में काफी बड़ा है कि जिस भी इंसान को टीबी वगैरह होती है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग वगैरह है, प्रॉपर सर्विलेंस वगैरह वो नहीं रखी जाती है। जैसे एग्जांपल दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई भी ऐसा पेशेंट वगैरह होता है तो उसका प्रॉपर डाटा नहीं रखा जाता है, फिर उस डाटा को गवर्नमेंट से शेयर नहीं किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या कि गवर्नमेंट प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं कर पाती है कि किसको टीबी है नहीं है, उसकी टाइम टू टाइम जाँच है वो नहीं हो पाती है। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसको भी टीबी वगैरह है उसके लिए प्रॉपर मतलब एक टाइम टाइम शेड्यूल हो, उसके प्रॉपर बाद मैसेज वगैरह या इन्फॉर्मेशन मतलब ऑटोमेटिक कॉल वगैरह का सिस्टम हो ताकि उसे मेडिसिन वगैरह प्रॉपर कंटिन्यू रखे, जैसे उसकी टाइम टू टाइम जांच वगैरह के लिए उसे बुलाया जाए, उसकी वजह से जो समस्या है उसे रेगुलेट या कंट्रोल किया जा सकता है। और आर्टिकल कह रहा है कि इसकी वजह से जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है क्योंकि जो पॉलिसी है वो प्रॉपर ढंग से अप्लाई नहीं हो पाती है, अप्लाई इसलिए नहीं हो पाती कि अवेयरनेस नहीं होती है, और फिर प्राइवेट और जो गवर्नमेंट सेक्टर वो मिल बांट के काम नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं और उसकी वजह से डिफरेंस वो बने रह जाते हैं। तो ये काफी जो पॉइंट थे हमारे लिए एग्जाम में वो हम यूज करते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो इकोनॉमी को लेके है, तो इस आर्टिकल में भी हम पॉइंट है वो देख लेते हैं। इस आर्टिकल में इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर के बारे में बताया गया है कि कोई भी देश की इकोनॉमी है उसकी अगर ग्रोथ हो रही है तो उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है नॉन फूड क्रेडिट। नॉन फूड क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो खाद्य वस्तुओं को छोड़ के जो भी लोन वगैरह दिया जाता है मार्केट में, मतलब बिजनेस क्षेत्र के लिए जो भी लोन प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं नॉन फूड क्रेडिट। तो नॉन फूड क्रेडिट अगर काफी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इंडिया जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो बढ़ रही है, क्योंकि अगर देखो कोई भी पैसा ले रहा है तो ऑब्वियसली वो कहने की इन्वेस्ट ही करेगा, ये तो यानी कि घर पे रखने वाला है, तो अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसकी वजह से कोई ना कोई प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन होगा तो कहने की मार्केट में जाएगा और जो डिमांड सप्लाई का जो प्रोसेस वो आगे चलती रहेगी। तो मतलब मार्केट में पैसा आ रहा है, मार्केट में पैसा कोई लोन ले रहा है तो वो कहने की उसको यूज करेगा और तभी तो वो लोन वापस चुका पाएगा। तो ये बात कही गई कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का इंडिकेटर ये कि अगर मार्केट में क्रेडिट बढ़ रहा है मतलब लोन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अगला फिर इसमें कहा गया बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ाना काफी जरूरी है, क्योंकि देखो मेन जो फायदा इकोनॉमी है वो बिजनेस पे टिकी होती है, एग्रीकल्चर पे हाँ हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है, बट जो बिजनेस सेक्टर उस पर ज्यादा डिपेंड है क्योंकि एग्रीकल्चर से लोगों को रोजगार वो ज्यादा मिलते हैं, बाकी इतना प्रॉफिट वो नहीं हो पाता है, बिजनेस सेक्टर से ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगला दिया गया कि जो अभी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो पिछले 60 सालों में काफी कम है, जो कि काफी गलत बात है इंडिया के लिए, और मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो भी कम है। अब मार्केट में मनी सप्लाई इसलिए कम है, देखो डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, वो तो रीजन है ही है, इसके अलावा दूसरा रीजन ये, अगला रीजन ये दिया गया कि जो डिमांड है वो भी मार्केट में कम है। डिमांड इसलिए कम है क्योंकि भी जो भी इन्वेस्टर्स है उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, मतलब माहौल नहीं मिल रहा है प्रॉपर इन्वेस्टर्स को ताकि वो पैसा लेके इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी मार्केट वो सुस्त चल रहा है, अगर वो अभी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो हमें घाटा हो सकता है, तो उसकी वजह से वो लोन ही नहीं ले रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट को इस दिशा में जो डिमांड एंड सप्लाई का जो मेथड है वो रुक रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ रही है इसलिए सप्लाई कहाँ से होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिमांड को बढ़ाया जाए तभी तो सप्लाई को बूस्ट किया जाएगा, तो दोनों चीजों को हमें साथ पैरेलल लेके चलने की जरूरत है, और सप्लाई डिमांड है उसको भी हमें एक तरीके से बढ़ाना है। डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या है, अभी से गवर्नमेंट ने कहा था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करी है ताकि उसके वजह से लोगों को रोजगार मिले, और जो दूसरे इंडस्ट्री वगैरह वो लगाए जाएंगे, रोड प्रोजेक्ट का काम चलेगा या रेल प्रोजेक्ट का काम चलेगा, तो आसपास छोटी इंडस्ट्री वगैरह लगेंगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मतलब जो काम है, जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, तो इकोनॉमिक है वो हमारी पटरी पे आ जाएगी। फिर आगे इसमें देखा कि जो मार्केट में लोन की जरूरत है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, बट अभी सॉरी मार्केट में जो लोन है उसकी भी डिमांड वो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि लोन की डिमांड इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रही है, लोगों को पैसा चाहिए नहीं। लोगों को पैसा क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट सुस्त हो रहा है, इसलिए लोगों को लग नहीं रहा है कि हमें प्रॉफिट होगा। मतलब माहौल की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें एक ऐसा माहौल बनाना है कि हाँ लोगों को लगे हाँ इन्वेस्ट करना चाहिए।
फिर देखो डिमांड बेस पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि डिमांड है वो क्यों क्यों इफेक्ट होती है, मतलब हमारी डिमांड है वो क्यों नहीं बढ़ रही इकोनॉमी में। उसके रीजन दिए गए कि इम्पोर्ट है वो काफी सस्ता हो गया है अभी। इम्पोर्ट सस्ता होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा जो रुपया है वो स्ट्रॉन्ग हो गया अभी। आपको पता है कि अभी हमारा रुपया कुछ टाइम से, मतलब यूएस के जो डॉलर है उसके अकॉर्डिंग हमारा रुपया काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है मेनली वो डॉलर से काफी इफेक्ट है, काफी प्रभावित होती है, तो उसके वजह से इम्पोर्ट है वो सस्ता हो जाता है। ये साइकिल हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर डॉलर है वो मतलब इंडियन रुपीज स्ट्रॉन्ग होता है तो जो इम्पोर्ट है वो सस्ता हो जाता है और एक्सपोर्ट है वो महंगा हो जाता है। इसी के साथ विदेशी प्रोडक्टों की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, जैसे हमने भी पीछे मतलब कंट्री की जो देखा था कि देश की जो ब्रांडिंग है वो बढ़ेगी, वो वाला मेथड आप यूज कर सकते हो यहाँ पे कि जो विदेशी जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड ज्यादा, इसलिए जैसे जापान के प्रोडक्ट है नहीं, लोगों की में ऐसी धारणा है कि नहीं नहीं वहाँ का प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली अच्छा है, तो वो जो विदेशी प्रोडक्ट की डिमांड है इसलिए बढ़ रही है। इसी के साथ घरेलू प्रोडक्ट की डिमांड वो कम इसलिए हो रही है कि वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है, और दूसरा है कि उसमें क्वालिटी का भी काफी इश्यू है, तो और भी बहुत सारे जो लेकोनाज या कमियां हैं उन्हें भी हमें दूर करना है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से डिमांड है वो कम हो रही है मार्केट में। जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन है वो तो देखो फैक्टर है ही है, आप हर बार ये नहीं कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन नहीं घुसेड़ सकता आंसर में कि नहीं नहीं ये लिखने से ही सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हमें जो सारी बैलेंस अप्रोच है वो अपनानी है कि और भी क्या क्या रीजंस हैं। जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन को लेकर हमें एग्जाम में आंसर नहीं देना है, क्योंकि ये नहीं कि हमेशा एवरग्रीन मुद्दे रहेंगे तो इन्हें हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। और फिर आगे दिया गया है कि जो ओल्ड स्टॉक है वो भी मतलब पूरे तरीके से खपत नहीं हो पा रही, क्योंकि जीएसटी से पहले जो प्रोडक्शन हुआ था उसकी भी मार्केट में खपत ही नहीं हुआ, तो कंपनियां जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब हमारा पुराना स्टॉक ही नहीं बिक रहा तो उसकी वजह से हमारा पैसा अटका पड़ा है, तो क्यों ना जब तक ओल्ड स्टॉक कंप्लीट नहीं होगा तभी हम नया प्रोडक्शन ना करेंगे, और कस्टमर सोच रहा है कि नया प्रोडक्शन आएगा तभी हम नई चीजें खरीदेंगे, तो उसकी वजह से जो मार्केट में जो सामान है वो मतलब स्थिर पड़ा है। आगे दिया गया सप्लाई साइड है वो भी प्रभावित हो रही है, सप्लाई साइड वो क्योंकि प्रभावित हो रही है उसके रीजंस है, तो इसके 6 पॉइंट्स दिए गए यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हो कि जैसे 6 रीजंस में सबसे पहला देखा कि जो बिग प्रोजेक्ट्स हैं उनके फंडिंग का जो वादा है वो एक्चुअली गवर्नमेंट बैंक जो पब्लिक बैंक या प्राइवेट बैंक वो कर चुके थे। अब बिग प्रोजेक्ट वो होते हैं जैसे जो प्रोजेक्ट है वो मतलब 20-30-40 साल तक काफी लंबे टाइम तक जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनको बिग प्रोजेक्ट बोला जाता है। अब आपको बताया कि जो भी बिग प्रोजेक्ट होते हैं उनमें काफी ज्यादा फंड की जरूरत होती है, जैसे किसी में 20,000 करोड़ किसी में 50,000 करोड़ ऐसे मतलब बड़ी अमाउंट होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर कोई बिग प्रोजेक्ट चल रहा है 20-30 साल के लिए और अगर वो फेल हो जाता है इनकेस और उसमें 50 करोड़ रुपए लगे, तो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा नुकसान होता है उसकी वजह से बैंकों को। तो कई बार तो ऐसे बैंक होते हैं जो कि प्रॉपर्टी से डूब भी जाते हैं। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि जो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको जो भी बैंकों ने मतलब वादा कर दिया है वो नहीं करना चाहिए था कि हाँ हम आपको लोन दे देंगे, क्योंकि जो बड़ो प्रोजेक्टों को जो फंडिंग करने के लिए वर्ल्ड बैंक हुई, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुई, इनका काम है, तो इन्हें प्रोजेक्ट इन्हें इन्वेस्टमेंट वो करना चाहिए था, ना कि इंडिया का काम नहीं है कि इंडिया क्षेत्र मतलब इंडिया के जो गवर्नमेंट बैंक है वो इस क्षेत्र में इन्वेस्ट है वो करें। अगला ये पब्लिक बैंकों की बात की गई, मतलब कि जो पब्लिक बैंक है उन्हें ऐसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, उन्हें केवल जो इंडिया के जो ऐसे शॉर्ट टर्म के जो प्रोजेक्ट हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनसे रिटर्न भी उन्हें जल्दी मिलता रहे, और अगर कोई भी प्रोजेक्ट लॉस में भी होता है तो भी उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर बड़ा प्रोजेक्ट लॉस में चला जाता है तो उसको उससे उभर पाना है उसके लॉसेस को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगला दिया गया कि इससे न्यायपालिका का निर्णय है वो भी काफी प्रभावित कर रहा है, जैसे कोल माइनिंग का आपको पता है घोटाला हुआ था, इसके साथ स्पेक्ट्रम के जो घोटाले हुए थे तो उसकी वजह से जो पुराने लाइसेंस थे उनको कैंसिल कर दिया गया था जुडिशरी की तरफ से, तो अगर जो केस जो मतलब स्पेक्ट्रम वगैरह ऐसे लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे तो उसकी वजह से ये क्या हुआ कि उनको दोबारा लाइसेंस लेना पड़ा, तो दोबारा लाइसेंस ले तो उन्हें काफी महंगा पड़ा, तो उनके खर्चा वो डबल हो गया, तो उसकी वजह से भी नुकसान पड़ा। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है इंडिया का उस पर अप्रोक्सीमेट 7 लाख करोड़ का कर्जा है, मतलब तो हमारा देश की जो टेलीकॉम सेक्टर है वो 7 लाख करोड़ रुपए का बहुत बड़ा कर्जा लेके बैठा है, तो उसपे भी काफी ज्यादा मतलब जो पैसा वो पेंडिंग पड़ा है। अगला इसमें दिया गया कि जो भूमि अधिग्रहण है ये तो देश की कोई हमारे देश में आप ये कॉमन पॉइंट लिख सकते हो, 2 पॉइंट काफी कॉमन होते हैं कि भूमि अधिग्रहण प्रोजेक्ट के लिए और दूसरा है फंडिंग कि कहीं भी है, मतलब मोस्टली पॉइंट आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारा देश है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज में काफी बड़ा इस समस्या रहती है कि भूमि अधिग्रहण है वो भी समस्या बनी रहती है, और दूसरा है कि फंडिंग, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए फंडिंग भी बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे पॉइंट्स आप कहीं भी मतलब मोस्टली आप यूज कर सकते हो इन पॉइंट्स को। तो भूमि अधिग्रहण की वजह से हमने पहले पढ़ा था कि जो प्रोजेक्ट है वो नहीं हो पाते हैं। अगला दिया गया कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस, मतलब पर्यावरण के संबंधी जो भी क्लियरेंस वगैरह लेने होते हैं उनमें भी डिले होता रहता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट है वो कोई भी मतलब फॉरेन की कंट्री वगैरह वो इंडिया में इन्वेस्टर नहीं करना चाहती, क्योंकि कई बार तक उनके केसेस चलते रहते हैं एनवायरमेंट क्लियरेंस के चक्कर में और वो मतलब 5-5 साल तक पेंडिंग रहते हैं, तो उसकी वजह से कंपनियां चाहती हैं कि यार कौन इन्वेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे अगर पैसा हमारा फंस गया तो हमें रिटर्न नहीं हो पाएगा, तो ये भी काफी बड़ी समस्या है। अगला इसमें दिया गया कि असेट क्वालिटी रिव्यू,
तो ये आरबीआई ने भी मैंडेट मतलब कंपलसरी किया था कि एसेट्स है जो भी आपकी संपत्ति उसका बार बार क्वालिटी का रिव्यू किया जाएगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसा नहीं कि एसेट्स जो भी आपकी संपत्ति है उसकी वैल्यू डाउन हो गई हो तो उसका रिव्यू करने से भी मतलब डिमांड डिमांड है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और अगला इसमें सॉरी सप्लाई को, और अगला इसमें दिया गया वो है कि राजनीतिक हस्तक्षेप। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपको पता है मेनली राजनीति के अंडर ही रहते हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पॉलिटिशियन वगैरह वो मतलब एक तरीके से उनको कठपुतली बना लेते हैं। सारे ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं है यहाँ पे, कुछ कुछ की बात की गई है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका मिसयूज किया जाता है, उनसे जो पॉलिसी वगैरह वो इस तरीके से बनवाई जाती है या उनके द्वारा जो भी केसलेस डिपार्टमेंट है वो समस्या वो मतलब बढ़ा दी जाती है। सॉरी केसलेस नहीं, जो भी केयरलेस डिपार्टमेंट है यहाँ पे, केयरलेस मतलब जो लापरवाही से जो डिपार्टमेंट वो काम करते हैं और उसकी वजह से जो लोन है वो मतलब घाटे में चला जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप दूसरा एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि जैसे कोई भी पॉलिटिशियन की अगर किसी बैंक में जान पहचान है तो वो अपने करीबी रिश्तेदार को वहां से प्रोजेक्ट के लिए लोन तो दिला देता है, फिर वो उस लोन का मिसयूज करते हैं या दूसरी जगह यूज करते हैं तो उसकी वजह से अगर प्रोजेक्ट में लॉस हो जाता है तो उसको भरेगा कौन, तो फिर वो लॉस में रह जाता है और उसकी वजह से एनपीए की समस्याएं हैं वो बढ़ जाती है और फिर बैड लोन वाला समस्या बैड बैंक बैड लोन की समस्या आ जाती है, फिर उसी के लिए बैड बैंक की बनाने की जो गवर्नमेंट ने बात की थी वो समस्या आ जाती है। तो फिर डाटा दिया गया कि अप्रोक्सीमेट 10% के आसपास इंडिया में बैड लोन है वो बना हुआ है। फिर आगे आर्टिकल में वे फॉरवर्ड में ये कहा गया है कि पैसों के साथ हमें रिफॉर्म की भी जरूरत है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ट्री कैपिटलाइजेशन के तहत केवल पैसा ही दे दे, हमें रिफॉर्म में उनकी सख्त जरूरत है, अदरवाइज समस्या वो ऐसी और ज्यादा गंभीर हो जाएगी और टाइम टू टाइम में जो भी पब्लिक बैंक है उनकी ऑडिटिंग वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट बैंकों की जो समस्या है प्राइवेट बैंकों की जो हालात है वो गवर्नमेंट से ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैंकों के जो गवर्नमेंट बैंकों में कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा इश्यू है, तो उसे हमें समझना चाहिए, उसमें हमें रिफॉर्म की जरूरत है, अदरवाइज हमें अगर बैंकों को पैसा देते रहेगी गवर्नमेंट तो उसका कोई समाधान नहीं होगा। बैंकों को अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है, कर्मचारियों को अकाउंटेबल बनाना होगा और जो प्रॉपर पॉलिसी वगैरह है उनके द्वारा रेगुलेट करने की एक अर्जेंट नीड है, तो उसको लेके आर्टिकल है। अब अगला जो आर्टिकल है वो फेक न्यूज को लेके आया है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। देखो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफी बड़ी मात्रा में फेक न्यूज है, उनका इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को एक तरीके से गुमराह किया जाता है। ये एक्चुअली आप बेसिक एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हो अपनी डेली लाइफ से भी कि एक ह्यूमन का नेचर होता है कि वो मतलब सेल्फ इनपुट है उसको डाल तो देता है फिर उसके बाद वो बात कहीं ना कहीं और ही हो जाती है। जैसे आप ये अपनी डेली लाइफ से भी इस एग्जाम्पल को कनेक्ट कर सकते हो कि आप किसी भी इंसान को कोई बात कहते हो, अगर वो इंसान कम से कम भी 50-60 लोगों के पास वो बातें पहुंचती पहुंचती आप तक वापस आती है तो वो और ही कोई बात हो जाती है, आपने बताया कुछ और वो आपके पास घूम फिर के कुछ और ही बात आती है। तो वही बात की गई है कि फेक न्यूज में ये भी एक ह्यूमन नेचर है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है कि लोग वो अपनी तरफ से उसमें मसाला लगा के न्यूज को ऐड कर देते हैं, बात है वो कहीं की कहीं और मतलब फैल जाती है। और फिर ये दूसरा दिया गया है कि डिजिटल इंडिया के द्वारा जो मेथड है उनके द्वारा इसको काफी हवा मिली है, मतलब डिजिटल इंडिया जैसे स्कीम है इनके द्वारा क्या है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया ऑनलाइन वगैरह सोशल साइट्स वगैरह, तो उसकी वजह से लोग हैं वो लगातार ऐसे जो काम है वो करते जा रहे हैं और जो फेक न्यूज की समस्या है वो धीरे धीरे बनी हुई है। फिर अगला है कि आकर्षित जो न्यूज है उनके द्वारा भी लोगों को मतलब एक तरीके से अट्रेक्टिव न्यूज बनाई जाती है और लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है और उसकी वजह से लोग वो न्यूजों को शेयर करते रहते हैं। ये आप एक एग्जांपल देख सकते हो बहुत अच्छा इमोशंस वगैरह वाला भी, कि जैसे कई बार आपके पास व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आते होंगे फेसबुक वगैरह पे कि आप इसको शेयर करो आपको फिर रिचार्ज मिलेगा 10 ग्रुपों में शेयर करो ऐसे वगैरह, तो ये क्या है एक तरीके से लोगों के इमोशंस का यूज किया जाता है, इसी के साथ मतलब अट्रेक्टिव न्यूज बनाई जाती है और जो झूठी न्यूज है उनको फैलाया जाता है। तो ये आप मतलब डेली लाइफ से एग्जांपल्स है वो लिख सकते हो। देखो हमें एग्जाम में बेसिक पॉइंट है वो लिखने हैं, हमें एग्जाम में बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं लेके आने हैं कि जितने टफ एग्जांपल लेके आएंगे तभी हमें एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, जो बेसिक पॉइंट है उनके द्वारा ही हमें काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और जो छोटे से छोटे जो पॉइंट्स हैं उन्हें हमें एग्जाम में इंक्लूड करना है। कई बार हम क्या सोचते हैं नहीं यार इतना छोटा सा पॉइंट है इससे थोड़ी एग्जामिनर मार्क्स देगा, नहीं नहीं जो पॉइंट्स हैं वो हमारी बेसिक लाइफ से जुड़े होने चाहिए और उन्हीं को हमें एग्जाम में यूज करना चाहिए, तभी एग्जामिनर को काफी अच्छा लगता है और उससे हमें ही फायदा होता है मार्क्स वगैरह में। आगे फिर दिया गया कि व्हाट्सएप है उसका इंडिया में अहम रोल है, आप देखते हो कि व्हाट्सएप पे किस तरीके से जो फेक न्यूज है वो फैलती है, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बोल सकते हो आप एक तरीके से। अगला ये कि जो गाइडलाइंस है पॉलिसी है उनका भी मतलब बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि प्रॉपर जो पॉलिसी है उसमें पारदर्शिता नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, तो इस दिशा में भी हमें कदम उठाना है। अगला ये दिया गया कि धर्म इतिहास का नाम मतलब धर्म हुआ जाति हुआ इसके नाम पे भी लोगों को टॉर्चर किया जाता है और लोगों को मतलब उत्साहित किया जाता है और उसकी वजह से भी जो फेक न्यूज वो फैलाई जाती है। कई बार आप ग्रुप पे देख सकते हो कि मैं देखो किसी धर्म को यहाँ पे लेकिन नहीं बता रहा हूँ, आप फॉर एग्जांपल किसी को भी लेकर देख सकते हो कि धर्म के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि आप जितने ज्यादा ग्रुपों में शेयर करो, अगर आप ये हिंदू हो अगर आप मुसलमान हो तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करो ये करो, तो ऐसी सेम वही बात की है कि धर्म इनका नाम लेके मतलब टॉर्चर करने का जो मेथड है उसके द्वारा भी फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैलती है।
और अगला ये देखा कि जो सोसाइटी में जो इसकी वजह से क्या है कि प्रभाव काफी उल्टा हो गया है, और जो सांप्रदायिकता हुई, जातिवाद हुई, जो वर्णवाद हुई, तो ये समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और ज्यादा कम होने की वजह। अब ये देखो मेरा एक खुद का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जहां तक मैं जानता हूँ, अभी तक मैंने देखा है कि रियल में सोशल मीडिया के द्वारा ही हमारे देश में जो समस्याएं आ रही है वो फैल रही है। मतलब सोशल मीडिया उसका बहुत बड़ा रीजन है, सोशल मीडिया की वजह से हमारे देश में दंगे वगैरह जो, और आप देख सकते हो कश्मीर का इश्यू देख सकते हो, इसके अलावा धर्म का देख सकते हो, सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान सिख जो भी आप सारे इश्यू देखते हो, ये मेनली सोशल मीडिया के द्वारा ही किए जाते हैं। अब मैं आपको लिटरली ऑनेस्टली बताऊं तो आप अपनी जो भी डेली लाइफ में अगर आप सोशल मीडिया से आप दूर हो जाते हो एक बार, तो आपको ऐसी कोई चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, बट लोग है इनके द्वारा शेयर करते हैं, मतलब मार्केट में झूठी न्यूज फैलाते हैं और उसकी वजह से कुछ लोगों के हित में वो सर्व हो जाते हैं। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे मैंने मेरे बताए। आगे आर्टिकल में फिर ये कहा गया वे फॉरवर्ड में कि हमें इन सबको मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, कि जो सोशल मीडिया उसको मॉनिटर है वो किया जाए, कोई भी गलत न्यूज फैलती है तो उसके एक्शन वगैरह ली जाए। इसी के साथ जो रेगुलेशन के लिए जो पॉलिसी वगैरह है वो बनानी चाहिए गवर्नमेंट को। और अगला ये देखे कि जो सोशल मीडिया है उसमें जो जो कमियां है गवर्नमेंट को उस समय भी मतलब कदम उठाने चाहिए, और जो भी खामियां हैं उनको दूर करने के लिए जो भी उनकी अथॉरिटी है उस समय प्रॉपर गाइडलाइन के तहत उन्हें रेगुलेट किया जाए। तो आज की डिस्कशन में दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।